पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर यानी कि बुधवार को बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। इस बार भी बढ़ोतरी 35 पैसे प्रति लीटर की हुई है। इससे दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 107.94 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 96.67 रुपये प्रति लीटर हो चली है। दोनों ईंधन की कीमतें अब अपने ऊंचे स्तर पर हैं। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। कल तक दिल्ली में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की कीमत 107.59 रुपये प्रति लीटर थी, जबकि डीजल रविवार के स्तर पर 96.32 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा था। मुंबई में जहां पेट्रोल की कीमतें बढ़कर 113.80 रुपये प्रति लीटर और डीजल 104.75 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं, ये सभी महानगरों में सबसे ज़्यादा है। हालांकि मंगलवार को खुदरा दरों में कोई और वृद्धि नहीं हुई थी। 18 और 19 अक्टूबर को ईंधन की कीमतें स्थिर रहीं, लेकिन लगातार चौथे दिन 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। इससे पहले 20 से 24 अक्टूबर के बीच लगातार 5 दिन तक बढ़ोतरी हुई थी। 12 और 13 अक्टूबर को दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कीमतों में उछाल के कारण देश के कई हिस्सों में अब ईंधन 100 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा पर मिल रहा है। ये अंतर पहले पेट्रोल के लिए था, जो कुछ महीने पहले देश भर में 100 रुपये प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर गया। पेट्रोल की कीमतों में 5 सितंबर में स्थिरता बनी हुई है, लेकिन तेल कंपनियों ने पिछले हफ्ते पंप की कीमतें बढ़ा दी। कच्चे तेल की कीमत 3 साल के उच्च स्तर $86 प्रति बैरल से ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि वैश्विक मांग मजबूत बनी हुई है, जबकि ओपेक प्लस उत्पादन बढ़ने के कारण कम हो रहा है। 5 सितंबर के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमत अगस्त के दौरान औसत कीमतों की तुलना में लगभग $9 से $10 प्रति बैरल ज़्यादा बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।